हेलो एस्पायरेंट्स, 7th मार्च की न्यूज आइटम्स देख रहे हैं इस वीडियो में। सॉरी थोड़ा डिले हुआ है, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। आई हैव कम बैक नाउ, तो जो पेंडिंग है वो हम सब क्विकली कवर करेंगे। 7th मार्च की 14 न्यूज आइटम्स हैं जो पिकअप की गई है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है बाबरी केस, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस डिस्चार्ज ऑफ अडवानी अदर्स। तो ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस है। तो ये 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, इसके अंदर दो केसेस रजिस्टर किए गए हैं। तो ये पहला केस जो है क्राइम केस या क्राइम नंबर है 197। तो ये जो लैक्स ऑफ अननोन कार सेवक है उनके अगेंस्ट है। तो ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के जो कार सेवक थे उन्होंने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया था, तो उनके अगेंस्ट ये केस है। तो रॉबरी, डकॉइटी, कमिटिंग मर्डर, इवन एंडेंजरिंग लाइफ, ये सारे उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए। पब्लिक सर्वेंट्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को वहां पे ड्यूटी करने से रोकना, एनिमिटी लाना, दुश्मनी लाना रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, ये उनके अगेंस्ट चार्जेस है और इनको 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो ये केस है केस नंबर 197, क्राइम नंबर 197। और क्राइम नंबर 198 जो है ये 12 लोगों के अगेंस्ट है। तो ये 12 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, इनमें एलके अडवानी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर्स जो है इनके नाम है। तो ये जो सेकंड क्राइम नंबर 198 है, ये न्यूज फिलहाल ये है कि इनके अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी चार्जेस है उनको ड्रॉप कर दिया गया है 2011 में। तो जब सीबीआई ने यहाँ पे फाइल किया अपील सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें इनके अगेंस्ट चार्जेस इन्वॉल्व नहीं किए हैं। तो इसको अभी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है, तो ये वाला केस वो हियर कर रहे हैं और इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वही इस बारे में कि ये कॉन्स्पिरेसी चार्जेस ड्रॉप करने का रीजन सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे, ये रीजन पे ये किया गया और इसको रिवाइव ही नहीं किया गया इतने सालों से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अब क्वेश्चन कर रही है। तो आगे जब जो जजमेंट्स आएंगे या इंटरिम ऑर्डर्स आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्यों ड्रॉप कर दिया गया था वो हम देख लेते हैं। तो ये जो दो केसेस है क्राइम नंबर 197-198, ये दोनों लखनऊ और रायबरेली कोर्ट्स में ये ट्राई कर रहे किए जा रहे थे, और बाद में मतलब एक लखनऊ में 197 लखनऊ में और 198 बरेली में, रायबरेली में। तो यहाँ पे अब सीबीआई के को ये ट्रांसफर कर दिए गए केस। तो सीबीआई ने 197 क्राइम नंबर 197 ले लिया लखनऊ से, उसको टुक ओवर किया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद इवन 198 जो क्राइम नंबर था वो भी ट्रांसफर हुआ सीबीआई को। तो सीबीआई ने जॉइंट चार्ज शीट फाइल की। अब अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको क्वेश्चन किया कि जो क्राइम नंबर 198 ट्रांसफर किया गया सीबीआई को, तो इसमें हाई कोर्ट को कंसल्ट नहीं किया गया, तो ये टेक्निकल एरर हुई है कि कंसल्ट क्यों नहीं किया गया। इस बेसिस पे अलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बताया कि इसको आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि इस पे कंसल्टिंग नहीं हुआ था हाई कोर्ट का। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स ने ये 198 क्राइम को ड्रॉप कर दिया, तो ये डिटैच हो गया। तो अभी जो सीबीआई और स्पेशल कोर्ट जो केस देख रही है वो सिर्फ क्राइम नंबर 197 पे देख रही है, जो लैक्स ऑफ अननोन कार सेवक्स के अगेंस्ट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट 12 प्रोमिनेंट लीडर्स है उनके अगेंस्ट का केस अपील में आ नहीं रहा है। तो वही पॉइंट को अभी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है कि सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे ड्रॉप कर दिया गया और फिर रिवाइव ही नहीं किया गया, ऐसा क्यों हुआ है। तो अभी जो यहाँ पे भी इनके जो जजेस, इनके जो एडवोकेट्स है, उनको वो कह रहे हैं कि इनकी अभी जो केस है फिर से इनका रिवाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किया जाएगा तो फिर से जो इतने सारे विटनेसेस हैं उनको फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा। तो इट्स 186 विटनेसेस है, तो उनको सबको री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ये सब मतलब डिफिकल्टीज आएगी, ऐसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि अभी फिर से रिवाइव ना किया जाए, तो वही आगे डेवलपमेंट होगी तो न्यूज में आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले की बात कि मतलब ये अयोध्या में यहाँ पे बाबरी मस्जिद को डिमोलिश क्यों किया गया, तो वो हिस्ट्री देखने के लिए ये पूरा ये अभी तक का जो इंसिडेंट है वो डिस्कस हुआ 1992 से 2017। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पॉइंट सामने रखा है वो इससे पहले 1992 से पहले का जो हिस्ट्री है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये बाबरी मस्जिद अयोध्या में है। ये मस्जिद बाबर जो मुगल एम्परर थे, फर्स्ट मुगल एम्परर, उन्होंने बिल्ड किया था, उनके नाम पे ये रखा गया बाबरी मस्जिद। तो 1527 में बिल्ड किया गया था। तो अब ये फैक्ट एक है इंडियन हिस्ट्री में कि जो मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए उन्होंने काफी सारे टेम्पल्स को मॉस्क्स में कन्वर्ट किया था। तो टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड एंड उनको मॉस्क्स बना दिया गया था, पर ऐसा नहीं है, थोड़े मॉस्क्स, फ्रेश मॉस्क्स भी एक्चुअली फ्रेश ग्राउंड पे एस्टैब्लिश किए गए थे। ऐसा नहीं कि जितने भी मॉस्क्स है सब टेंपल कन्वर्टेड ही है, पर ये भी होता था, ये फैक्ट है।
अब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1949 जो डेवलपमेंट हुआ था, ये था कि 1949 में यहाँ पे मस्जिद में लॉर्ड राम की आइडल्स पाई गई। तो ये अब वही है, वो क्लेम करते हैं वीएचपी लीडर्स, यहाँ पे वीएचपी आरएसएस लीडर्स, वो क्लेम करते हैं कि ये मिराक्यूलसली यहाँ पे आइडल्स आ गई। अब वो किसी ने रखा था कि मिराक्यूलसली आई, इसका कोई एविडेंस है नहीं, तो ये भी बात है। तो ये उसके बाद ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, और ये पर्टिकुलर साइट बर्थ प्लेस ऑफ राम है, ये क्लेम किया जाता है। वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे पहले टेम्पल थी, इसके लिए वही एविडेंस नहीं है, बर्थ प्लेस ऑफ राम था उसका भी कोई एविडेंस एज सच नहीं है कि दिस इज द साइट, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, पर वही वो क्लेम करते हैं। और इस बेसिस पे ये डिस्प्यूटेड साइट हुई है। और 1984 में वीएचपी ने पूरा एक मूवमेंट इनिशिएट किया था कि ये टेम्पल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जाए और टेम्पल बनाया जाए यहाँ पे। तो वो उनका एक एजेंडा हुआ कि ये बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम है, यहाँ पे टेम्पल बनना चाहिए। और 1992 में इसको इनिशिएटिव लिया गया, ये सारे वीएचपी लीडर्स, आरएसएस, बीजेपी लीडर्स यहाँ थे, उन्होंने डायस पे थाउजेंड्स ऑफ कार सेवक थे जो इनको यहाँ लाया गया था, उनको उन्होंने ऐसी स्पीचेस दी, उनको प्रोवोक करके उनको किया कि वो फाइनली उन्होंने पूरा ये टेम्पल चढ़ के यहाँ पे डिमोलिश किया था। तो ये रेजिंग डाउन ऑफ द सॉरी टेम्पल नहीं, ये मॉस्क को उन्होंने डिमोलिश किया, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। तो ये 6 दिसंबर 1992 का इंसिडेंट है। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया में रायट्स हुए, हिंदू मुस्लिम रायट्स, और उनमें काफी लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 2002 में जब फिर से यहाँ अयोध्या से कार सेवक यहाँ पे लौट रहे थे, और गोधरा में गुजरात में यहाँ पे उनकी ट्रेन जब रुकी थी, यहाँ भी अगेन कोई ऑल्टरकेशन हुआ और यहाँ पे ट्रेन को आग लगा दी गई। अब उसके भी रीजंस क्या थे, कैसे आग लगी, वो क्लियर एविडेंस अब तक आया नहीं है, पर जो भी है ये ट्रेन को आग लगी उसमें काफी सारे कार सेवक यहाँ पे हिंदू एक्टिविस्ट की मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद गुजरात में रायट्स हुए, तो ये गोधरा कांड के बाद गुजरात में जो रायट्स हुए उसमें अगेन काफी सारे लोगों की मौत हुई, हिंदू मुस्लिम रायट्स हुए। 2009 में जो यहाँ लिबरहन कमीशन रिपोर्ट आई थी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पे, उसमें उन्होंने क्लियरली ब्लेम किया कि बीजेपी लीडर्स यहाँ पे एलके अडवाणी इंक्लूडिंग ये सब इन्वॉल्व है। इवन 2002 गुजरात रायट्स में यहाँ पे तब गुजरात में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और उनके अगेंस्ट भी केसेस इनिशिएट किए गए थे, क्योंकि पुलिस इनएक्शन और इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के काफी सारे एविडेंसेस ऐसे थे, पर नरेंद्र मोदी जी को उनको क्लीन चिट दिया गया है बाय द कोर्ट्स ऑल्सो। तो वही है कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, पर यहाँ पे भी काफी सारे लोगों की मौत हुई, रायट्स हुए। 2009 की इस रिपोर्ट के बाद भी अगेन वही एविडेंस है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर्स यहाँ पे इंस्टिगेट किया था उन्होंने एक्टिविस्ट को कि ये मॉस्क बाबरी मस्जिद को नीचे डिमोलिश किया जाए। 2011 में यहाँ पे एक्चुअली अलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे पहले रूलिंग दिया था कि इस बाबरी मस्जिद साइट को डिवाइड किया जाए, तो हिंदूज मुस्लिम्स ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या क्या फर्दर ऑर्डर आता है वो हम अब देखेंगे। तो ये अब तक का स्टेटस है। फिर अगला न्यूज आइटम है, पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स वर बिहाइंड 2008 मुंबई अटैक्स। तो ये जो 2008 मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसमें पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड थे, ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो पाकिस्तान के मिस्टर दुर्रानी उन्होंने दिया है। तो ये तभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो इस मुंबई टेरर अटैक्स में रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो उस वजह से 2009 में इनको सैक भी कर दिया गया था, इनको निकाल दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पोस्ट से पाकिस्तान में। तो अभी भी ये स्टेटमेंट यही दे रहे हैं। तो ये रिसेंटली हुआ था एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म, तो यहाँ पे उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अभी भी कहा कि ये जो जमातुद दावा ग्रुप है उनके चीफ है हफीज सईद, तो इनके अगेंस्ट स्टेप्स लिए गए हैं। पाकिस्तान में ये न्यूज में आता था कि इज पुट अंडर हाउस अरेस्ट और चार्जेस इनके अगेंस्ट लाया गया है। तो वही मिस्टर दुरानी भी कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान को, कोई रीजन नहीं है कि उनको सेव करना चाहिए, कोई इंसेंटिव नहीं है इसके लिए पाकिस्तान को, बल्कि उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने कई बार इनको इनके अगेंस्ट प्रूफ दिया है कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन मुंबई टेरर अटैक्स, तो स्टेप्स पाकिस्तान को लेने चाहिए। ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर दुरानी कह रहे हैं। और यहाँ पे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पारिकर इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो टेररिज्म है दिस इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, तो पीस लाने के लिए सिक्योरिटी लाने के लिए इसको टैकल करना जरूरी है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने 1996 में यूएन में रेजोल्यूशन
ये प्रपोज किया, ड्राफ्ट प्रपोजल लाया है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, पर ये अब तक अडॉप्ट नहीं किया गया यूएन जनरल असेंबली में। और ये रीजन यही है कि टेररिज्म का डेफिनेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट ऐसे करके डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब टेररिज्म जो होगा तो वो कौन टेररिस्ट है कौन नहीं। तो यहाँ पे यूएस को भी कंसर्न है, जैसे कि यूएस और उनके एलीज जो है नाटो वगैरह में, तो यहाँ पे वो कई कंट्रीज में इंटरनेशनल इंटरवेंशन करते, तो इवन यूएन मैंडेट नहीं होता तो भी वो इंटरवीन करते। तो अगर टेररिज्म को ऐसे टेक्निकली डिफाइन किया जाएगा तो ये यूएन आर्मी के एक्शंस को भी फिर टेररिज्म माना जाएगा, तो उनको भी कंसर्न है कि टेररिज्म को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इवन जो ये ओआईसी कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो ये इनको भी फियर है कि जो ये रीजन है जहाँ पे वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, जैसे पैलेस्टीन है, इवन कश्मीर में भी वो कहते हैं कि वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और उनकी फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंट लैंड, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे, उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा। तो इसीलिए उनको क्लैरिटी नहीं है, तो ये गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के जो वेगनेस है उस वजह से डेफिनेशन क्लियर नहीं होता, तो ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करना भी डिफिकल्ट हो रहा है कन्वेंशन। तो ये अगर एक बार अडॉप्ट किया जाएगा, टेररिज्म क्लियरली डिफाइन किया जाएगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा सारी कंट्रीज को, तो फिर ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए कंप्लीट बैन लाया जाएगा सारे कंट्रीज में, उनको कोई फंड को एक्सेस नहीं मिल पाएगा, उनको सेफ हैवेंस नहीं मिल पाएगी कि एक कंट्री में आपने क्राइम किया और दूसरी कंट्री में जाके आप छुप गए, तो इधर एक्सट्रेडिशन भी पॉसिबल होगा कि आप जहाँ पे आपने क्राइम किया वो कंट्री वो टेररिस्ट को अपनी कंट्री में बुला एक्सट्रेडिट कर सकती है, ला सकती है और यहाँ पे ट्राई कर सकती है, उनके अगेंस्ट केस चलेगा। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टैकल करने के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन होगा, पर ये अब तक अडॉप्ट ही नहीं किया गया है, तो वही है। फिर अगला न्यूज आइटम है मेडिटेशन रीकी एट योगा वीक, तो ये एक हफ्ते का इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ ऋषिकेश में, तो ये अनऑफिशियल योगा कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड का, ऋषिकेश इन उत्तराखंड। तो यहाँ पे कई अलग अलग तरह के योगा इनके ऊपर नो ऑफरिंग्स हुए, इनके ऊपर मेडिटेशन क्लासेस वगैरह हुई, इवन रीकी, रीकी जो एक जापानीज टेक्निक है, हीलिंग टेक्निक है, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट की गई ड्यूरिंग इंटरनेशनल योगा वीक। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई बार इसके ऊपर एम्फसाइज किया है, तो इसीलिए योगा पे इवन मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इट इज नॉट अनलाइकली, हो सकता है क्वेश्चन आए। तो इनका यहाँ पे भी स्टेटमेंट था, वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में भी स्टेटमेंट दिया कि योगा कुड हेल्प कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। तो ये स्टेटमेंट का क्या जस्टिफिकेशन है, यू कैन गेट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होगा कमेंट या इलैबोरेट, तो आपको इसके ऊपर पूरा आंसर लिखना होगा। तो टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए कैसे ये हेल्प कर सकता है, तो वो कह रहे हैं कि योगा से पीस आता है, तो ग्लोबल पीस जरूरी है आज, तो पीस विद इन एन इंडिविजुअल, योगा करोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, पीस होगा फैमिलीज में, पीस होगा सोसाइटी में, पीस होगा नेशन में, पीस होगा और ग्लोबली भी पीस आएगा। तो व्हेन देयर इज पीस देयर इज नो स्कोप फॉर टेररिज्म। और क्लाइमेट चेंज हार्मनी जो आती है, तो योगा से पीस हार्मनी आती है, लिविंग विद द एनवायरमेंट, तो क्लाइमेट चेंज को भी हम कम्बैट कर पाएंगे। तो उस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि योगा कुड हेल्प कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। और ये जो रीकी टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, तो ये रिलैक्सेशन स्ट्रेस रिडक्शन के लिए होता है, तो लेइंग ऑन हैंड्स होता है, मतलब कि हाथ से ये ऐसे किया जाता है। तो इसको एक्चुअली माना जाता है, री जो वर्ड है उसका मतलब है गॉड्स विजडम और हायर पावर, तो री और की का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी। तो ये ऐसे माना जाता है कि एक अनसीन लाइफ फोर्स एनर्जी है, तो ये एनर्जी हम सब के थ्रू फ्लो कर रही है, और जब ये लो लाइफ फोर्स एनर्जी हाई है तो हम खुश रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, अगर लो होती है तो हम बीमार होते हैं, हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी को लाने के लिए ये ऐसे लेइंग ऑन हैंड्स करके हाथ से हीलिंग टेक्निक यूज की जाती है, री की। तो मेडिटेशन टेक्निक या स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक ऐसे है ये, तो वो भी यहाँ पे रीकी के ऊपर भी क्लासेस हुई थी इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में। अगला न्यूज आइटम है लॉ टू रेगुलेट यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, तो ये यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि एक नोटिफिकेशन लाया जाएगा, तो अभी उस पर पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा उस पर पहले। तो ये नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एयर कंडीशनर्स यूज किए जाते हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए जाए कि उनको एक प्रीसेट टेम्परेचर पे यूज करना चाहिए। मतलब अभी क्या होता है, एयर कंडीशनर्स कमर्शियल स्पेसेस में, एयरपोर्ट्स, ऑफिसेस वगैरह में यूज किए जाते हैं, तो वो काफी लो टेम्परेचर्स पे फंक्शन किए जाते हैं, इरेस्पेक्टिव के बाहर ठंडा है कि गर्म है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है और ऑफ कोर्स इट
कंट्रीब्यूट्स टू एमिशंस, तो वो सारे कंसर्न्स जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो इस हिसाब से ये प्रपोज किया गया है। तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाया जाए, ऐसे जापान में, यूरोपियन यूनियन में ऐसे प्रोविजंस है, जैसे जापान में ये प्रोविजन है कि एयर कंडीशनर्स को समर टाइम्स में ये टेम्परेचर उनका सेट किया जाता है 28 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्री सेट टेम्परेचर पर ही फंक्शन करने चाहिए उनको। तो जो लोगों को, एम्प्लॉयज को भी अलाउड होता है कि आप बिजनेस वेयर में, कोट्स वगैरह में मत आओ, कंफर्टेबल कैजुअल्स में आओ, पर ये इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है, क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये एक्चुअली एयर कंडीशनर्स में भी जो कूलेंट्स यूज किए जाते हैं, रेफ्रिजरेंट्स यूज किए जाते हैं एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में, ये केमिकल्स जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये HCFCs जो है, ये एक्चुअली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उसके अकॉर्डिंग भी सारे कंट्रीज को इनको फेज आउट करना है बाय 2030। तो इसीलिए, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, एटमॉस्फेयर में, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रेज को, जिसकी वजह से डायरेक्ट यूवी रेज ग्राउंड पे नहीं आती, अर्थ सर्फेस पे नहीं आती, और ह्यूमंस सेफ गार्ड होते हैं, क्योंकि यूवी रेज की वजह से काफी सारे डिजीजेस होती है, स्किन रिलेटेड, स्किन कैंसर के भी ये रिस्क होते हैं। तो इसीलिए ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है, और हम देख रहे हैं कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है। इवन ओजोन होल डिटेक्ट किया गया ओवर द एंटार्क्टिका इन अराउंड 1980s। तो इसीलिए ये कंसर्न है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया और इन 1997 ये लाया गया, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, इनको फेज आउट करना है। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरोकार्बन्स के लिए 2030 की डेडलाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से भी है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक तो है, ये यूज करने के केमिकल्स, पर ये ओजोन डिप्लीटिंग है। तो जब ये डिटेक्ट किया गया तो स्टेप्स लिए गए हैं, तो इस बेसिस पे भी हमको इससे बेनिफिट होगा अगर एयर कंडीशनर्स को प्रीसेट टेम्परेचर पे यूज किया जाए। तो ये नोटिफिकेशन लाया जाएगा, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में 1987 में ये इनिशिएट किया गया, 1989 में इन्फोर्स हुआ। तो दिस इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज टू पर्टिकुलर कन्वेंशन। तो जैसे UNFCCC, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो एक कन्वेंशन को एक प्रोटोकॉल ऐड किया जाता है, जैसे कि उसके उसका प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, तो काफी प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल टू UNFCCC, वैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल टू वियन्ना कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फर्स्ट ग्लोबल अग्रीमेंट्स है, अमंग द फर्स्ट ग्लोबल अग्रीमेंट्स ऑन एटमॉस्फेयर, अर्थ क्लाइमेट। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए लाया गया, इस पे काफी रिविजन्स भी किए गए, नए नए केमिकल्स भी इसमें ऐड किए गए जो ओजोन डिप्लीटिंग है, कि उनको फेज आउट करना चाहिए। तो ये ग्रेजुअली फेज आउट करके 100% रिडक्शन लाना है HCFCs का बाय 2030। तो ये ओजोन पूरा टाइमलाइन है, इसमें ओजोन होल डिटेक्ट किया गया अंटार्कटिका में 1985, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी देखेंगे। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लाया गया, आगे डेवलपमेंट्स है, तो ये यहाँ पे है डिटेल। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यूज किए जाते हैं, पर ये नॉन टॉक्सिक तो है, पर डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, ये पता चला। तो ओजोन भी क्या होता है, ये ओजोन एक गैस है, तो ओजोन इज O3, तो जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, ये ओजोन O3 होता है, तो 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है। और ये ओजोन लेयर जो है, ये ट्रोपोस्फीयर में भी होता है, तो ओजोन लेयर तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन एमिशंस भी होते हैं, तो ओजोन इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस टू। तो ये जो कार, ट्रक्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में एमिशंस होते हैं, तो ये लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन होता है, इससे ह्यूमंस को अफेक्ट होता है, इट कैन इरिटेट लंग्स में भी, यू नो, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो एयर पोल्यूशन को ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। पर जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है, ये ओजोन लेयर जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये शील्ड है हार्मफुल यूवी रेज को हमसे प्रोटेक्ट, ग्राउंड पे आने से प्रोटेक्ट करता है। और जो ये ओजोन होल पाया गया है इन द एंटार्क्टिका, तो ये जो पोलर जो है, पोल से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंटार्क्टिका एंड साउथ पोल, यहाँ पे जो ये ओजोन होल पाया गया है, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस और फीचर्स ऐसे है कि यहाँ पे ओजोन अक्यूमुलेट, ओजोन डिप्लीशन होता है बिकॉज ऑफ CFC अक्यूमुलेशन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये रेफ्रिजरेंट, कूलेंट से एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं, तो ऑफकोर्स ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा एमिट होते हैं, मतलब कि ये जो कंट्रीज यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पे ज्यादा एमिशंस होते हैं। तो ये जो है वो फ्लो हो जाते हैं, मतलब वो एटमोसफियर में आते हैं, एमिशंस होते, तो गैसेज एटमोसफियर में आते हैं और ये पर्सिस्ट करते हैं, ये
इसके ऊपर कोई रिएक्शंस नहीं होते, तो ये रहते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने के बाद ये थ्रू द एटमोस्फियर जो सर्कुलेशन एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन है उससे ये पोल्स पे पहुंचते हैं, और यहाँ ये एंटार्क्टिका पे यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। तो ये PSCs जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ पे इसीलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रीजन्स में पोल्स पोलर रीजन्स में यहाँ पे टेम्परेचर्स काफी लो होते हैं। तो आपको पता होगा पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल में इट्स 6 months डे 6 months नाइट्स अल्टरनेटली। तो यहाँ पे 6 महीनों तक विंटर जब होता है तो कम्प्लीट डार्कनेस होता है, तो यहाँ टेम्परेचर्स काफी कम हो जाते हैं, तो इसीलिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्मेशन यहाँ होता है। और ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के सर्फेस पे जो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके ऊपर सारे ये जो क्लोरीन एटम्स से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह ये यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब ये अक्यूमुलेट होते जाते रहते हैं तो ये CFCs क्लोरीन्स यहाँ पे अक्यूमुलेट होके रहते, मतलब ये एक्चुअली क्लोरीन यहाँ से रह जाता है यहाँ पे, तो सारे क्लोरीन एटम्स यहाँ अक्यूमुलेट होते जाते और टेम्परेचर ये लो ही रहता है। जब विंटर खत्म होती है और समर आता है तो तब ये एक्चुअली अक्यूमुलेशन इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, टाइम बॉम्ब जैसे है ये। क्लोरीन अक्यूमुलेट होते होते मतलब ये CFC से वहां पे बॉन्ड्स टूट जाते हैं और क्लोरीन अक्यूमुलेट होते रहता है, और जैसे ही फिर समर आता है सनलाइट आती है तो एनर्जी फ्रॉम द सन ये स्ट्रांग इनफ होता है तो ये क्लोरीन एटम्स एक्चुअली इनिशिएट हो जाते हैं इन अ चेन रिएक्शन, और एक क्लोरीन एटम थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ह्यूज ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन एटम्स हियर इन द पोलर रीजन्स। तो एंटार्क्टिक ओजोन होल 1980s में डिस्कवर किया गया, इवन आर्कटिक में ओजोन होल है ये भी अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया गया है 2011 अराउंड। तो ये पोलर रीजन्स में ये कंडीशंस क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहां पे ये होता है। और जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इस जब ये पता चला तो इसके ऊपर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया एंड दिस हैज बीन सक्सेसफुल। तो इसके प्रोटोकॉल के प्रोविजंस इंप्लीमेंट करने की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन पे स्टॉप लगाया गया है, फेज आउट किया गया है, और नए जो रिसेंटली न्यू केमिकल्स भी है वो भी जब डिटेक्ट किए गए तो उनके ऊपर भी फेजिंग आउट हो रहा है, जैसे HCFCs है वो 2030 में फेज आउट हो गए, CFCs फेज आउट हो गए। तो ये स्टेप्स की वजह से ओजोन डिप्लीशन भी कम हुआ है और वो रिकवर भी हो रहा है, तो ओजोन लेयर अभी अक्यूमुलेट होकर और बिल्डअप भी हो रहा है। तो दीज आर द पॉजिटिव डेवलपमेंट, दिस इज अ सक्सेसफुल क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट। तो ये उस बारे में है। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस गवर्नमेंट ऑन डिपॉजिट ऑफ ओल्ड नोट्स। तो ये जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाई थी स्पेसिफिक स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑर्डिनेंस, ये 30th दिसंबर को ऑर्डिनेंस लाया गया। तो इसके अंदर ये प्रोविजन था कि जो भी 31st दिसंबर के बाद डिपॉजिट करेंगे उनके ऊपर पेनल्टीज होगी। तो ये ऑर्डिनेंस अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, ये तो एक्ट भी पास किया गया पार्लियामेंट के थ्रू विद सिमिलर प्रोविजन। तो पहले गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया था नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को, तब कहा गया था कि कट ऑफ डेट 31st दिसंबर से आगे भी होगी, 31st मार्च तक जिनके पास जेन्युइन रीजन है कि वो नहीं जमा कर पाए हैं उनके लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो अब ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये अभी चेंज किया गया, तो ये प्रॉमिस जो दिया गया था कि डिमोनेटाइज नोट्स 31st मार्च तक एक्सेप्ट की जाएगी, तो अब ये पेनलाइजेशन क्यों हो रहा है और यहाँ पे और रिस्ट्रिक्शंस क्यों लाए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाव किया है पर जेन्युइन रीजन है और रिस्ट्रिक्शंस डाला है कि कब किन केसेस में अलाव किया जाएगा, तो इसीलिए पिटीशन फाइल किया गया है। अगला न्यूज आइटम है ट्रम्प साइंस मुस्लिम बैन टू ऑर्डर। तो पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इनिशिएट किया था ऑन बैन ऑन 7 मुस्लिम कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से। तो अब ये नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 6 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, 7वीं जो है इराक को एक्सक्लूड किया गया है, उसके लिए रीजन जस्टिफिकेशन दिए गए हैं। तो ये लास्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था इसके ऊपर जुडिशरी ने स्टॉप लगा दिया था, तो ये फुलफिल नहीं हो पाया था। तो अब जो नया ऑर्डर आया है इसके अंदर एक कंट्री को एक्सक्लूड भी किया है और जो उसमें कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस है वो इसमें नहीं लाए गए। तो इराक को एक्सक्लूड भी इसलिए किया गया, वो कह रहे हैं क्योंकि इराक ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू टैकल इस्लामिक स्टेट, तो इसीलिए वहां पे कंट्रीज के जो कमिटमेंट है कम्बैटिंग इस्लामिक स्टेट इसीलिए उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। थोड़े रीजन अभी भी है कॉम्बैट जोन्स है इराक में, फिर भी उनको ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो कंट्री को इन्वॉल्व नहीं किया इस लिस्ट में। तो ये जो 6 कंट्रीज है इनको इन्वॉल्व किया है उन्होंने, वही कहा है कि ये इधर स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म है, ये खुद ये कंट्रीज में
टेररिज्म गवर्नमेंट या स्पॉन्सर करती है, या तो ये इनमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्ट्रांग है, या तो ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इसीलिए इन 6 कंट्रीज को नाम डाला गया है और इन कंट्रीज के लोगों को यूएस में अलाव नहीं करेंगे, एंट्री वीजा नहीं दिया जाएगा। तो पहले जो ऑर्डर था, प्रीवियस ऑर्डर, उसमें एक्चुअली ऐसे था कि अगर इन कंट्री के लोगों के पास वीजा भी है यूएस का, या ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी है ये कंट्री के रेसिडेंट्स, तो भी उनको यूएस में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अब ये नए ऑर्डर में उनको एक्सक्लूड किया गया कि अगर आपके पास वीजा है, वैलिड वीजा है, ग्रीन कार्ड होल्डर हो आप, तो आपको एंट्री है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे किसी को वीजा नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा कंट्री में ट्रैवल। तो ये 90 डेज का बैन किया गया है, नो न्यू वीजा नहीं दिया जाएगा इन कंट्रीज के सिटीजन को, और जो रेफ्यूजी प्रोग्राम है उसको भी 4 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। तो ये नया ऑर्डर अब आया है। प्रीवियस ऑर्डर में क्रिश्चियंस को भी प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था कि अगर क्रिश्चियन रेफ्यूजीज हो गए तो उनको अलाउ किया जाएगा, तो इस ऑर्डर में उसको भी, ये प्रोविजन को भी डाला नहीं गया क्योंकि ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन था। तो ये नया ऑर्डर अब आया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अगला न्यूज आइटम है, नॉर्थ कोरिया फायर्स 4 मिसाइल्स, 3 रीच जापानीज वाटर्स। तो जो नॉर्थ कोरिया है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, और यहाँ ये हर बार थ्रेटन करती है यूएस को स्पेशली कि वो उनके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करेंगी। तो यहाँ पे अब बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट की गई है, लॉन्च की गई है, और ये 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स में से 3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है जापान का, उसमें ये ड्रॉप की गई। तो ईईजेड जो होता है, तो बियॉन्ड द कोस्ट, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है अराउंड 370 किलोमीटर। तो इस रीजन में, जापान के ईईजेड में, यहाँ पे 3 मिसाइल्स ड्रॉप की गई। तो ये एक्चुअली थ्रेटनिंग है, और ये रिसेंटली एक्चुअली यूएस और जापान के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी यहाँ पे, तो उसी की वजह से ये प्रोवोकेटिव एक्शन लिया गया है। तो यूएस, इन्होंने कहा है कि हम इनको मिसाइल्स डेवलप करने नहीं देंगे, और नॉर्थ कोरिया कहती है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करेंगे। तो कोरिया चाहती है कि उनके मिसाइल्स यूएस तक भी पहुंचे। तो ये यूएस का जो अलास्का स्टेट है वो यहाँ पे है, इवन हवाई आइलैंड यहाँ पे है। तो इनका जो ICBM डेवलप कर रहे हैं, टाइपोडोंग 2, ये मिसाइल एक्चुअली यूएस को भी पहुंच पाएगी। तो ये नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स है जो ऑपरेशनल है, टेस्ट फायर किए जा रहे हैं और जो डेवलप भी किए जा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया एक रोग स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी मिलिट्री डेस्पोटिक गवर्नमेंट है, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट वो कहते हैं अपने आप को, पर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज भी काफी है। सोशल इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन पे भी यहाँ पे लेवल्स काफी कम है, लोगों के कंडीशंस बुरे है, और चाइना कई बार इसको सपोर्ट करती है नॉर्थ कोरिया को। तो ये कम्युनिस्ट क्लेम करती है, पर ट्रू कम्युनिज्म यहाँ पे है नहीं कुछ। तो वही है, चाइना ने रिसेंटली कंडेम भी किया था, जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था मिसाइल, तो वहां पे उन्होंने, चाइना ने भी इसको कंडेम किया है। तो ये जनरली न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह के थ्रेटन्स देती है ताकि उनको एड मिल सके। तो दे वांट फॉरेन एड कमिंग इन, तो ये वो टेक्निक्स यूज करते हैं टू ब्रिंग इन फॉरेन एड। अगला न्यूज आइटम है, स्टडी हाइलाइट्स फॉरेन स्टूडेंट्स रोल। तो ये यूके गवर्नमेंट के ऊपर स्टडी की गई है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो यूके इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उनकी वजह से 25.8 बिलियन पाउंड्स एनुअली यहाँ पे इकोनॉमी को मिलता है। तो ये अभी यूके एक्ट, तो यूरोपियन यूनियन से भी ब्रेग्जिट हो गया है, इनिशिएट किया गया है, प्लस वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे। तो फिलहाल तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं उनके वर्किंग पे, कि अगर वो इनका डिग्री कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उनके बाद वो वर्क करने पे वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लाया गया है। तो अगर आपको वर्क करने नहीं दिया जाएगा तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने भी कम हो जाएंगे। तो 2016 में भी देखा गया है काफी कम स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यूके इकोनॉमी भी सफर करेगी, वो हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे। तो 2016 में इंडियंस सिर्फ 6% थे, जो स्टूडेंट वीजा ग्रांट की गई 2016 में यूके ने, उसमें से सिर्फ 6% इंडियंस थे। तो काफी फॉल हो चुका है ऑलरेडी, और वही हाईलाइट किया जा रहा है कि इससे यूके सफर करेगी। फिर अगला न्यूज आइटम है, NIIF इन टॉक्स विद 2 सोवरीन फंड्स। तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ये अनाउंस किया गया इन बजट 2015।
तो तब ये बनाया गया है। अब इसको गवर्नमेंट ने जो कमिट किया था कि 20,000 करोड़ इसमें फंडिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तो वो भी कंट्रीब्यूशन आया है। प्लस अब एनआईएफ में मतलब ये 49% इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होगा, मतलब और 20,000 करोड़ प्लस यहाँ पे बाहर से आने हैं। तो यहाँ पे वो सोवरीन वेल्थ फंड्स जो होते हैं, तो सोवरीन मतलब गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट सोवरीन वेल्थ फंड्स जैसे कि यूएई, कतर, यहाँ से भी इनके साथ डिस्कशन हमारे हो रहे थे कि ये कंट्रीब्यूट करे। तो ये सोवरीन वेल्थ फंड्स को ये चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आए, या तो जो ये बाकी सब एंटिटीज भी होती है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है, यहाँ से भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करे ताकि ये पूरा एनआईएफ इफेक्टिव हो सके। तो ये जो फंड होगा, दिस इज फंडिंग द फंड्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जो एंटिटीज होती है उनको ये फंड करेंगे। तो ये गवर्नमेंट बैकिंग जब होगी तो इससे ऐसे होता है कि ये सोर्स है, सोर्स फंड है, इससे और फंडिंग यहाँ पे अक्यूमुलेट होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग मिलेगी। तो उस पर्सपेक्टिव से एस्टैब्लिश किया गया। इसमें एक प्रोविजन एनआईएफ डायरेक्ट भी है, तो ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इसमें से इन्वेस्ट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स में, नहीं तो ये फंड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एजेंसीज को, ऐसा ये प्रपोजल है। इट्स अ फंड ऑफ फंड्स ऐसे। तो अब ये वही है कि कितना इफेक्टिव हो पाएगा वो अभी स्टेप्स लिए जाएंगे। इवन गवर्नमेंट कह रही है कि एनआईएफ प्लेटफॉर्म कंपनीज को भी बैक करेगी। तो प्लेटफॉर्म कंपनीज होती है कि जो इनिशिएट हमको करना है, फर्स्ट स्टेप लेना है, तो वो प्लेटफॉर्म एक बनाया जाए कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो ये बूस्ट अप होके फिर स्केल अप किया जाए और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में प्रोजेक्ट्स में ये फंडिंग ला सके। तो ये स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं एनआईएफ को इफेक्टिव बनाने को। तो ये एनआईएफ ट्रस्ट की तरह एस्टैब्लिश किया गया है। तो वही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज है जैसे कि इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या नेशनल हाउसिंग बैंक, उनके लिए ये फंड बनाया गया है। तो वही है उस बारे में है। ये आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ गवर्नमेंट और 30,000 करोड़ अदर, इवन SWF सोवरीन वेल्थ फंड यहाँ इन्वेस्ट करे, ये एक्सपेक्टेड है। तो वही है, तो ये बिलो 50% गवर्नमेंट का स्टेक इसीलिए रखा गया कि ये प्राइवेट सेक्टर कैरेक्टर एक मिले इस फंड को ऐसे। वो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मतलब फंड ऑफ फंड्स है, तो ये फंड की वजह से और काफी फंड आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग जो होती है तो एक अश्योरेंस होता है कि जो फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर रिटर्न होंगे, तो इसीलिए ये एस्टेब्लिश किया गया है। अगला न्यूज आइटम है सेंटर मल्स मॉडिफाइंग डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। तो जो इंडिया की स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है उसमें जो स्टार्टअप का डेफिनेशन है, तो तीन क्राइटेरिया है जो मीट होनी चाहिए। तो तीन क्राइटेरिया ये, पहले तो वो स्टार्टअप एंटिटी जो है वो 5 साल पुरान से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब रिसेंटली रजिस्टर की गई है। उसका टर्नओवर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब स्टार्टअप है, नई एस्टेब्लिश की गई है, ज्यादा टर्नओवर नहीं है। और थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इट्स वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, तो वो कोई इनोवेटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं कोई नए प्रोडक्ट का, प्रोसेस का या कोई सर्विस का, तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह राइट्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व है, तो उनको स्टार्टअप कंपनीज कहते हैं। तो इन क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेंगे उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, बेनिफिट्स देती है। तो अब यहाँ पे स्टार्टअप एंटिटीज जो है इंडिया में, वो चाहती है इस डेफिनेशन को चेंज किया जाए, क्योंकि सारे स्टार्टअप्स को आप एक सेम स्केल पे आप उनको मेजर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जैसे कि जो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स है, मेडिकल डिवाइसेज रिलेटेड स्टार्टअप्स जो है, उनको ज्यादा टाइम लगता है, तो दे नीड एटलीस्ट 8 to 10 years कि वो फाइनेंशियली टेक ऑफ कर सके। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ये क्राइटेरिया को चेंज किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, तो यहाँ पे प्लांट मशीनरी लाया जाता है, तो उसके अंदर फिर टर्नओवर भी हो सकता है, इंक्रीज हो पैसा भी, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लाने हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जाए, इसको भी चेंज किया जाए। तो ये प्रपोजल स्टार्टअप एंटिटीज दे रहे और गवर्नमेंट कह रही है कि हम चेंजेस कंसिडर करेंगे। थर्ड पॉइंट तो ऑफकोर्स डेफिनेशन है, वो चेंज नहीं होगा, पर इन दोनों में रिलैक्सेशन ला सकते हैं, तो ये कंसिडर किया जा रहा है स्टार्टअप डेफिनेशन चेंज करना। फिलहाल यही है डेफिनेशन। अगला न्यूज आइटम है सेंटर में अनवील आईआईपी डब्ल्यूपीआई विथ न्यू बेस ईयर। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इनका बेस ईयर फिलहाल है 2004-05। तो बेस ईयर होता है कि इस ईयर को एक नॉर्मल ईयर मान के इससे कंपेयर करके WPI IIP डेटा आता है। तो ये बेस ईयर को चेंज कर रहे 2011-12, तो ये प्रपोज किया जा रहा है 2011-12 अब बेस ईयर होगा नया, क्योंकि GDP वगैरह के लिए भी यही बेस ईयर प्रपोज किया गया है, तो कंपैटिबिलिटी लाने के लिए इनका भी बेस ईयर चेंज किया जाए। अगला न्यूज आइटम है IIT इंडस्ट्रीज मस्ट स्ट्रेस म्यूचुअल गेन्स टू द US। तो ये नास्कॉम
है, कह रही है कि इंडियन आईटी कंपनीज को, इंडस्ट्री को यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहिए यूएस को कि अगर वो यूएस में रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे H1B वीजा L1 वीजा के लिए, तो इससे यूएस इंडिया ट्रेड टाइज अफेक्ट होगी और यूएस इकोनॉमी को भी, बिजनेसेस को भी अफेक्ट होगा। तो ये उनको समझाना जरूरी है कि सिर्फ इंडियंस, इंडियन एंटिटीज हर्ट नहीं होगी बट यूएस बिजनेस भी हर्ट होगा। तो H1B वीजा के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो यहाँ पे सैलरी लिमिट होती है उसको बढ़ा दी गई है कि वही एलिजिबल हो गए H1B वीजा के लिए, मतलब हाई एंड प्रोफेशनल्स, हाई पेइंग प्रोफेशनल्स ही यहाँ आ पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ऑफकोर्स अफेक्ट होगा बिजनेस को। तो ये कह रहे हैं कि इसके इसके ऊपर उनको समझाना जरूरी है। और रिसेंटली और एक स्टेप लिया गया कि जो ये प्रीमियम प्रोसेसिंग था, प्रीमियम प्रोसेसिंग ऑफ H1B वीजा एप्लीकेशंस, इसको टेम्पररीली सस्पेंड किया गया है। तो प्रीमियम प्रोसेसिंग मतलब 15 दिन में आपका H1B वीजा क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आपको प्रीमियम फीस पे करनी होती है। तो इसको अभी टेम्पररीली बंद किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इसी वजह से H1B वीजा नॉर्मल जो होते हैं पेटिशन, उस पर बैकलॉग आ गया है, तो उनको काफी टाइम लग रहा है वो क्लियर करने को। तो इसीलिए टेम्पररी यहाँ पे सस्पेंड किया गया कि प्रीमियम वीजा अब नहीं मिलेगा। तो वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि H1B वीजा जो है जनरली 3 साल के लिए अप्रूव की जाती थी पहले, और अब जो है वीजा सिर्फ 1 साल के लिए दी जा रही है H1B वीजा। तो ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शंस तो आ रहे हैं, अब आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे हम, वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगला न्यूज आइटम है, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट किल्स 1.7 मिलियन चिल्ड्रन इन अ ईयर। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इनहेरिटिंग अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, एटलस ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। वो कह रहे हैं कि 1/4 जो ग्लोबल डेथ्स होती है चिल्ड्रन अंडर 5 की, 5 साल से छोटे बच्चों की, वो अनहेल्दी और पॉल्यूटेड एनवायरमेंट की वजह से, डर्टी वाटर, एयर, सेकेंड हैंड स्मोक वगैरह, जो हाइजीन नहीं होती है उस वजह से ये डेथ्स होती है। तो ये डेथ्स पोल्यूशन की वजह से वगैरह जो हो रही है, और ये पोल्यूशन वो कहते हैं कि वोम में जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है तब से उनको एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा इनका रिपोर्ट है। तो वही वो कह रहे हैं कि जैसे उनको निमोनिया, डायरिया, इवन मलेरिया वगैरह जो है वो केसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड डेथ्स होती है। प्लस वो कह रहे हैं कि ये फैक्टर्स जो है, एनवायरमेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, तो एयर पोल्यूशन, सेकेंड हैंड स्मोक, क्लाइमेट चेंज, इनएडिक्वेट वाटर, सैनिटेशन वगैरह को भी ये रीजंस मान रहे हैं। न्यू थ्रेट्स भी आ रहे हैं, इमर्जिंग थ्रेट्स है, जैसे कि POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, ई वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसकी वजह से भी चिल्ड्रन का हेल्थ अफेक्ट होता है। वही है, ये वोम से ही एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है, उनसे अफेक्ट होती है उनको, उनके डिजीजेस जो है उनको, रेस्पिरेटरी डिजीजेस वगैरह ये इनिशिएट हो जाती है। वही है, ये डेथ्स होते हैं, डेथ्स भी होते हैं, और काफी अलग अलग एलिमेंट्स भी उनको, डिजीजेस भी उनको हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। तो ये कहते हैं नियरली 1 मिलियन, मतलब 10 लाख बच्चे निमोनिया की वजह से हर साल मर जाते हैं, और हाफ ऑफ दीज निमोनिया डेथ्स एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। और लास्ट न्यूज आइटम है, डॉक्टर्स रिंग वार्निंग बेल्स अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इन चिल्ड्रन। तो ये हमने रिसेंटली भी देखा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेस हो रही है, तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट फंक्शन करने के लिए न्यू एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। तो 12 हाई प्रायोरिटी नो फैक्टर्स भी वो लाए थे ये इनके अगेंस्ट, जैसे ड्रग्स चाहिए, तो ये उसी के बारे में रिसर्च है एम्स का। तो एम्स रिसर्च में यहाँ पे आया है कि बच्चों में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी हाई है, और उनके लिए तो एंटीबायोटिक्स भी लिमिटेड होती है, क्योंकि बच्चों के लिए स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर सकते जैसे एडल्ट्स के लिए यूज करते, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम वगैरह भी इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और उनमें जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पाया जाता है तो यहाँ पे डेथ्स भी हो जाती है काफी बच्चों की। इवन वो कह रहे हैं कि काफी एंटीबायोटिक अब्यूज बच्चों में भी पाया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट फंक्शन करना जरूरी है, क्योंकि सिंपल एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स भी है जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी एंटीबायोटिक अब्यूज की वजह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता और बच्चे सफर करते हैं। तो यहाँ पे IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिया है, जैसे थिंक बिफोर यू इंक, मतलब डॉक्टर्स जब एक प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे तो उससे पहले सोचो कि जरूरत भी है क्या ऐसे, अवॉइड एंटीबायोटिक अब्यूज। तो एंटीबायोटिक्स जब हम ज्यादा लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, तो मतलब एंटीबायोटिक्स यूज करने पे जो जो बैक्टीरिया है इस पे, इससे
इससे मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, पर थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं वो प्रिवेल करते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास और स्पेस अब आ गई, तो वो मल्टीप्लाई होते हैं और ये अपना रेजिस्टेंस वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं दूसरे बैक्टीरिया को। तो इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स नहीं चलती। फिर जब सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग ली जाती है, सिमिलर केस होता है, तो वहां पे और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है और ये स्प्रेड होके फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जब एंटीबायोटिक्स यूज की जाए तो करेक्ट डोज में यूज की जाए, जब जरूरत है तभी यूज की जाए, ना ओवर डोज हो ना अंडर डोज हो, करेक्ट डोज लिया जाए, कोर्स पूरा कंप्लीट किया जाए, ये सब ध्यान रखना काफी जरूरी है। ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होना चाहिए और सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होना चाहिए। तो इसको एम्फसाइज अभी फिर से ये स्टडी में सामने आया, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। तो यही है आज के न्यूज आइटम 7 मार्च के। सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू।